कोरोना की सुनामी से जूझती दुनिया के लिए एक और चिंताजनक खबर है। फ्रांस में ऐसा वेरिएंट मिला है जिसमें ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा म्यूटेशन है और यह ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक बताया गया है। अभी इस वेरिएंट को कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल इसे IHU वेरिएंट कहा जा रहा है, क्योंकि इसका पता फ्रांस के IHU मेडिटेरेनियन इंफेक्शन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने लगाया। यह कोरोना का B.1.640.2 वेरिएंट है, जिसके स्पाइक प्रोटीन में 46 म्यूटेशन है। ओमाइक्रॉन में ऐसे 32 म्यूटेशन थे। इस वेरिएंट में N51Y म्यूटेशन मिला है। इतना टेक्निकल आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यह समझिए कि एक और भाई आ गया है यह कोरोना का। अभी पिछला गया नहीं, एक नया आ गया। कोरोना फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहा, वो एक एक करके नए उसके भाई बहन आते जा रहे हैं। जो म्यूटेशन सबसे पहले अल्फा वेरिएंट में दिखा था, जिससे यह वेरिएंट बहुत तेजी से फैल सकता है, इसमें E484K म्यूटेशन मिला है, जिस म्यूटेशन का मतलब यह होता है कि इस पर वैक्सीन का असर कम होगा। फ्रांस के मार्सिले शहर में इस वेरिएंट के 12 केस मिल भी गए, और इसका पहला केस वो व्यक्ति था जो अफ्रीका के देश कैमरून से छुट्टी मनाकर फ्रांस लौटा था और फुल्ली वैक्सीनेटेड था, मतलब उसको वैक्सीनेशन हुई भी थी। कोरोना के इस वेरिएंट के केस किसी दूसरे देश में अभी तो नहीं मिले, लेकिन यह वेरिएंट WHO की वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल हो गया है। जिस फ्रांस में यह नया वेरिएंट मिला, वहां पहले से ही कोरोना की सुनामी आई हुई है। फ्रांस में अगर आप देखेंगे, फ्रांस के अंदर आज की तारीख में डेली केस, जो रोज नए केस कोरोना के आ रहे हैं, डेली केस 4 जनवरी को 271,686 केस आए थे, यह फ्रांस के अंदर है। और पिछले 7 दिन में डेली केस का औसत जो है, 7 दिन का औसत 1,78,000, ये औसत है। 7 दिन में लगभग रोज 1,78,000 केस आ रहे, और यहां 64% केस जो हैं वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट के। 72% ICU बेड्स कोरोना के मरीजों में खप चुके हैं, वहां भर्ती हैं वो 72%। अमेरिका में तो रिकॉर्ड ही टूट गया है। अमेरिका का हिसाब सुनिएगा तो दिमाग घूम जाएगा। अमेरिका में, जिस अमेरिका की बात कर रहा हूं, अमेरिका में अगर वहां देखने बैठिएगा कि क्या हालात हैं, अमेरिका में जनवरी 2021 पीक में, जब पीक है, 3,00,000 केस पर डे आ रहे थे। ये 2021 का बता रहा हूं, 2022 में नहीं हूं अभी। फिर सितंबर 2021 का पीक, उसमें पीक में कितने आ रहे थे, 3,00,000 केस पर डे। और आज की तारीख में, जनवरी में कितने केस आ रहे हैं, जनवरी 2022, और अभी पीक है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन अमेरिका में एक दिन में 10,00,000 केस आ गए, एक दिन में। मतलब जो पीक था 2021 का 3,00,000 का, उसको पार कर चुका है, उससे 3 गुना से ज्यादा केस आ चुके हैं, यह अमेरिका में हो रहा है। 3 जनवरी को 10,18,000 केस आए, 4 जनवरी को 8,85,000 केस आए, और अमेरिका में 7 दिन का डेली केस का जो औसत है वो 5,53,000 है। मतलब 5.5 लाख केस लगभग रोज आ रहे हैं। और अमेरिका में देखिएगा तो अमेरिका में 77% से ज्यादा केस में ओमाइक्रॉन वेरिएंट मिल रहा है। 672 बच्चे हर दिन अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त 78% ICU बेड फुल हो गए हैं। कोरोना की सुनामी के बीच एक गुड न्यूज भी है, और यह गुड न्यूज दक्षिण अफ्रीका के उस गोतेंग से है जो ओमाइक्रॉन का पहला एपिसेंटर था, जिसे कहा जा रहा है कि नया वुहान है। यहां ओमाइक्रॉन वेरिएंट का पहला केस मिलने के 49 दिन बाद अब कोरोना के केस घट रहे हैं।
यहां पिछली लहर के मुकाबले देखें तो ओमाइक्रॉन में 49 दिन बाद केस घटना शुरू हुए, डेल्टा में 199 दिन लग गए थे केसेस घटना शुरू होने में। ओमाइक्रॉन के पीक में डेली केस 9651 आए, डेल्टा में पीक में ये 11640 थे। गोतैंग का बता रहा हूं, ओमाइक्रॉन के पीक में आईसीयू एडमिशन 300 रहा, डेल्टा में ये 1400 था, यानी इसमें आईसीयू में जाने की नौबत कम आई। ओमाइक्रॉन के पीक में भर्ती मरीज 3564 हर दिन, डेल्टा में ये 9208 हर दिन था, यानी अस्पताल जाने की भी नौबत कम आ रही है ओमाइक्रॉन। ओमाइक्रॉन के पीक में मौत कितनी हुई, 18 प्रतिदिन, जबकि डेल्टा में कितनी थी, 150 प्रतिदिन, यानी मरने वालों का आंकड़ा भी ओमाइक्रॉन में कम है। लेकिन भीड़ से बचना और मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क को लेकर भी लोग बहुत लापरवाह हैं। मास्क की साफ सफाई को लेकर इंग्लैंड में एक सर्वे हुआ, 50% लोगों ने कहा कि वो एक ही मास्क बिना धोए 10 बार पहनते हैं, 40% लोगों ने कहा कि वो मास्क धोना भूल जाते हैं, 25% लोगों ने कहा कि वो एक साल से एक ही मास्क पहन रहे हैं, एक साल से वो मास्क भी भूल गया होगा कि उसका काम क्या था, वो दूसरे नए मास्क देखकर ये पुराना एक साल पुराना मास्क सोचता होगा, मैं भी कभी ऐसा लगता था। इन लोगों ने मास्क को भी एक साल यूज कर लिया। 13% लोगों ने कहा कि मास्क खराब ना हो जाए इसलिए वो बिना धोए मास्क पहन लेते हैं। अरे मास्क खराब होगा तो दूसरा लीजिए, जब काम का ही नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा। एक मास्क को कितने दिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब धोना चाहिए, ये भी आपको बता देता हूं। रीयूजेबल मास्क को एक ही दिन इस्तेमाल करें फिर उसे धो लें, यह कहा जाता है। गर्म पानी के साथ दिन में एक बार अपने मास्क को जरूर धोएं। अगर आपका मास्क गीला है या रफ हो गया है तो उसे बदल लीजिए। 6 से 12 महीने में रीयूजेबल मास्क को जरूर बदल लीजिए, मतलब उसकी अति मत कर दीजिए धो धो के। कपड़े का मास्क हर दिन धोना है। सर्जिकल मास्क एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना है। N95 मास्क 5 दिन तक रीयूज किया जा सकता है, फिर उसे भी फेंक देना है। तो इन बातों को समझिए, बचते बचाते चलिए। ओमाइक्रॉन में खतरा कम है ये अभी लग रहा है, आगे क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए खुद को खुद बचाइए। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए।